जी, गिर नस्ल के दूध से सोना निकाला जा सकता है? हाँ, गिर में वो A2 मिल्क पाया जाता है, तो उसमें सर जितने जो मतलब हार्ट है या हमारा जो ब्लड लेवल है, खून है या शुगर, सबको कंट्रोल करने में सहायक है, क्योंकि उसका जो नेचुरली जो कुब्बड़ होता है, जो सर के ऊपर, जैसे ये जर्सी गाय है, ये देख सकते हैं, इसके ऊपर वो कुब्बड़ नहीं, ये नहीं है ना, वो हाँ पुट्ठा नहीं है, पुट्ठा पुट्ठा जो होता है, पुट्ठा नहीं है, पुट्ठा होने के वजह से क्या करता है कि सूर्य को रोशनी को ग्रहण कर लेता है। पुट्ठा से नहीं, उस सींग से सूर्य का रोशनी ग्रहण करता है, उसे स्वर्ण प्राप्त करती है गाय जी, सींग से। अच्छा, तो इसीलिए हम लोगों के शास्त्र में बिना सींग के गाय रखना वर्जित है। अच्छा, लोग नहीं, गाय नहीं रखना, नहीं रखना चाहिए, अगर कोई भी गाय है उसको सींग जरूर रखना, सींग जरूर रखना चाहिए। अच्छा, सींग का अच्छा इफेक्ट है इसका, मतलब हाँ दम है। देखिए, नया बात सर आपने बताया है, और इसका जो ये इसको क्या बोलते हैं सर, जो यहाँ पे होता है झालर, तो ही का ही, हाँ वो जो ऐसे होता है, तो इन देसी गायों में उसका ज्यादा होता है, उससे भी दूध का गुणवत्ता जो है बेहतर माना गया है। देखिए, ये कुछ क्रॉस है तो इसका कुछ ज्यादा है, इसका देख सकते हैं, ये झालर अच्छा है और कितना सुंदर ये गाय है, और सिंग हम नहीं उसको दगवाए हैं, इन्होंने सिंग भी इसका नहीं दगवाया, मतलब सिंग छोड़ने से ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता है, लोग को भ्रम है कि सिंग, मतलब सिंग छोड़ना चाहिए, दूध में जो गुणवत्ता आनी चाहिए, स्वर्ण अंश जो सूर्य से प्राप्त होता है, बिना सिंह के वो संभव नहीं है। अच्छा, बिल्कुल सर, हमारे ऋषि मुनि ने ये रिसर्च करके जो दिया है हमको जी जी, उसको हम लोग समझे इस बात को। अच्छा, कुछ फीड का भी रोल है क्या, जैसे मान लीजिए कि दाना पानी अगर या जो इलाज है वो प्राकृतिक रूप से करें, अगर इसका हरा चारा जो है हम लोग नेचुरली ढंग से खाद डाल के गोबर का इस्तेमाल करके ज़्यादातर उग जाए, तो उसका दूध का इफेक्ट भी और बेहतर बनाया जा सकता है, तो उसका तो जिंदगी ये बन जाए, जब खाद नहीं डालेंगे, केमिकल नहीं डालेंगे, पाउडर नहीं डाल, तो ये सब तो फिर कुछ कहने को रोग नहीं होगा इसको। अच्छा, ये बहुत बेहतर हो सकता है। बेहतर है। अच्छा, तो ये सर के साथ जो हम लोग का जो अनुभव शेयर हुआ, बहुत तगड़ा और अच्छा लगा, और ये बताइए सर, सबसे पहले आपको कैसे मन में आया, आपके पूर्वज ये काम करते थे गाय पालते? पहले तो जनरल खाने पीने के लिए तो दूध तो बिकता था, दूध बेचने में तो पहले बेइज्जती होती थी, माने इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स में लोग महसूस करते थे कि अच्छा, दूध बेचे हम, आज भी थोड़ा सा है, लेकिन आज नहीं, आज तो बिजनेस की दृष्टि से लोग देख रहा है, तो फिर क्या दिक्कत, आज ऐसा पंगा नहीं है, ऐसा नहीं बेचना मतलब, हाँ कोई खराब बात है जी जी, आज तो दूध हर लोग बेचता है, हर लोग बेच रहा है, जिसकी जो कैपेसिटी है उतना उत्पादन करके मार्केट में अपना दे रहा है। अच्छा, मार्केट में अपना दे रहा है, तो अच्छा ये बताइए सर कि आपका जो ब्रीडिंग के ऊपर कैसे अनुभव हुआ, कब से कि इसका नस्ल जितना बेहतर रहेगा तो दूध और बेहतर होता जाएगा? हाँ, देखा कि ये कोई नकदी रोजगार है, किसान का तो ऐसा कोई रोजगार नहीं है कि तुरंत चावल और गेहूँ हम लोग उपजाने वाले हैं तो तुरंत तो पैसा आएगा नहीं, आई उत्पादन हुआ अगर शाम में बेचे तो सुबह पैसा है, शाम सुबह बेचे तो शाम में पैसा है, सब कारोबार चलते रहेगा। अच्छा, इनका वैक्सीनेशन कराते हैं शाम में? करवाते हैं कभी भी। अच्छा, जैसे सर्रा है, गलघोटू है, लंगड़ी बुखार है, वही ब्रुसेलोसिस है, इन बच्चियों को 6 महीने में ही ब्रुसेलोसिस का टीका लग जाना चाहिए, जीवन में एक बार होता है, तो उस संक्रामक गर्भपात जो गर्भपात होता है, 8 महीने में ही गर्भपात हो गया, 7 महीने में, 6 महीने में बच्चा गिरा देती है, ये रोग भी होता है कभी। अभी तक क्या कहें, हमारा कोई गाय का गर्भपात हुआ नहीं जी। हाँ, वो अलग बात है, लेकिन ऐसा हो सकता है, उससे सुरक्षा के लिए आप कुछ अपना उपाय कर सकते हैं? हाँ, वो सब होता है, कोई दवा हुआ भी चलता है, जो लोग जिन लोगों का देखते हैं कि हमारा गाय बार बार एक हो रही है, अबॉर्शन कर जा रही है जी जी, दवा उबा देते हैं। अच्छा, दवा उबा दे देते हैं, काफ़ी अच्छा आपके साथ अनुभव शेयर हुआ है। और कोई फार्म में दिक्कत नहीं होता, दूध कहाँ सेल करते हैं? डेरी ले जाती है। अच्छा, कोई संगठन ओपन मार्केट का है रास्ता? ना, ओपन मार्केट नहीं, मार्केट में कहीं ले जा करके कहीं, इसीलिए डेरी से सफलता नहीं किसान को मिल रहा है, मनमाने ढंग से डेरी चलाता है, कितना रेट कोऑपरेटिव नाम है लेकिन वो अपना डेरी बना लिया है सब पदाधिकारी और कर्मचारी लोग। कितना रेट मिल जाता है दूध का? रेट बहुत कम मिलता है, 25-26 रुपये मुश्किल से मिल पाता है, बस यही मेन प्रॉब्लम है, सब कुछ सही हो रहा है, दूध उत्पादन भी हो जाता है लेकिन मार्केट से पैसा नहीं है, नहीं तो इसीलिए इंटरेस्ट थोड़ा कम हो जाता है।
तो लोग इसमें इतना ध्यान नहीं देते। फीड इसका बहुत महंगा हो गया, दूध का दाम नहीं, तो किसान लॉस में चल जाता है, किसान भी लॉस में चला जाता है। तो ये देख सकते हैं ये, और यहाँ पे जो आपने जो ये जो यहाँ पे काउ मैट या कोई सर जैसे गाभिन गाय होता है उसको 6 महीने के बाद हैवी मिलकर ये सब गायों के लिए एक मैट का होना चाहिए। अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैट काउ मैट उसके लिए मैट बिछाए हुए हैं। अच्छा, अंदर में? अंदर। तो जो भी गाय गाभिन रहे ना, हाँ, और 6 महीना एबव हो गया उसको अगर पक्का पे है तो मैट चाहिए, बाकी फिर जरूरत नहीं। अगर मिल्किंग में है कोई दिक्कत नहीं, अगर गाभिन 6 महीना प्लस हो गया है तो मैट रखो। मैट दिया था उसको, अब धीरे धीरे मैट भी ला रहे हैं, अब तो मैट नए एवे किया है सब। जी जी, चलिए आपके साथ बहुत अच्छा अनुभव शेयर हुआ है और बातचीत। एक बार अपना मोबाइल नंबर बोलिए। 99311 जी 83479 जी। ये अपने के नाम एक बार बता दी। विष्णुदेव सिंह। ये कौन सी गांव है? छतियाना। छतियाना है, मखदुमपुर के पास, जहाना मखदुमपुर थाना, थाना जहानाबाद में पड़ता है सर जी, गया जहानाबाद। जहानाबाद, जहानाबाद। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद, धन्यवाद।